कैसा रहा मेरा परफॉर्मेंस? परफॉर्मेंस क्या यार, तुम भी बार बार एक ही क्वेश्चन पूछते हो। बोलो ना। अच्छा ठीक है, अगर रेटिंग के हिसाब से दूँ ना तो 6 out of 10। ना कम क्यों यार, मैंने ना इससे भी ज़्यादा अच्छे परफॉर्मेंस वाले क्लाइंट्स देखे हैं। अच्छा, अब तो मैं तुमको रेगुलर बुलाने लगा हूँ, तो कुछ डिस्काउंट भी कर दिया करो। डिस्काउंट? मैं अभी तो तुम्हें रेगुलर सर्विस देती हूँ ना, तो फिर मुझे तुमने आज तक कभी कोई टिप दी? तुमको तो पता ही है आजकल बिजनेस कितना कम चल रहा है। यार बिजनेस कम चल रहा है, बिजनेस कम चल रहा है, यही सुनती रहती हूँ हमेशा। छोड़ो, एक सेकेंड, मेरा कॉल आ रहा है। हेलो हेलो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी मलिक साहब, मैं पहुँचती हूँ बस 2 घंटे में। अरे आपको तो पता ही है ना यहाँ पे कितना ट्रैफिक होता है दिल्ली में। हाँ जी। नहीं नहीं ठीक है, कोई नहीं। अरे आप टेंशन मत लीजिए, मैं आ जाऊँगी टाइम से, डोंट वरी। हाँ जी चलिए ठीक है, बाय। चलो यार मैं चलती हूँ, ठीक है। सुनो ना। कहो। तुमको कभी किसी क्लाइंट से प्यार नहीं हुआ? अरे देव बाबू, इन जिस्मों के बाजार में ना प्यार का कोई ग्राहक कहाँ है। तुम्हारी इसी अदा पे तो मैं मरता हूँ। और वैसे भी ना ये प्यार व्यार बच्चे करते हैं, ठीक है चलो बाय। आर्टिकल 10-12 जो पब्लिश्ड हुए हैं जी सर, उसमें कोई रीडरशिप कोई व्यूअरशिप नहीं आ रही है। हाँ सर, ये तो मैंने भी देखा। वही चीज है सवाना, क्या है ना, आप अपनी वो 80-90 की जो मेंटेलिटी है ना उसको थोड़ा सा चेंज करो। आजकल जो जनरेशन पढ़ना चाहती है, जो चाहती है, वो उस चीज को थोड़ा सा लिखने की कोशिश करो। तो सर आप ही बता दीजिए किस टॉपिक पर लिखना चाहिए। मैं क्या बताऊं आपको, राइटर तो आप ही हैं, वरना मेरे पास और भी राइटर हैं सर। अच्छा क्यों ना तुम कॉल गर्ल पे कुछ लिखो। कॉल गर्ल सर, मैं इस टॉपिक पर ही लिख सकती हूँ।
ये बहुत चीप और वल्गर है मेरे लिए, आपको तो पता है सर। भाई इसमें चीप और वल्गर क्या है सबाना? कॉल गर्ल भी हमारे सोसाइटी का एक हिस्सा है, मेरी नीड्स को पूरा करती हैं सर। आई मीन आदमियों की नीड्स को पूरा करती हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है तभी तो कॉल गर्ल बनती है। इनकी ज़िंदगी में कितने उतार चढ़ाव होते हैं, आई थिंक लोग पढ़ना चाहते हैं इनके बारे में। वो बात तो ठीक है सर आपकी, ये टॉपिक भी सही है, लेकिन सर मैं तो किसी कॉल गर्ल को जानती नहीं हूँ, और जब तक मैं किसी को पर्सनली मिल के समझ के नहीं लिखूँगी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। ये बात तो सही है आपकी। सर एक बात बोलूँ आपसे, आप किसी को जानते हैं तो उनका रेफरेंस दे दीजिए। भाई मैं कैसे जानूंगा किसी को? सॉरी सर आई डिडंट मीन। फैमिली वाला आदमी हूँ, बीबी है, बच्चे हैं, मेरा क्या लेना देना इन लोगों से? सर आप मुझे गलत समझ रहे हैं। भाई गूगल पर जाओ, हर एक चीज अवेलेबल है, थोड़ा सा रिसर्च करो चीजों पे। जी सर। तब आप एक मसाला लेकर आओ। ठीक है सर, मैं पूरी कोशिश करूंगी। गुड, लेकर आओ, एक वीक के अंदर फिर से आपकी एक स्टोरी डालते हैं, ठीक है? ठीक है सर, आई विल ट्राई माय बेस्ट। ओके। हाय बेबी, कैसे हो? हाय, आ गई तुम? हाय यार, आज तो बहुत ही थक गया, बहुत अच्छे तरीके से यार, आज बहुत तेज भूख लगी है। क्या बनाया खाने में? मैंने कुछ नहीं बनाया, मैंने तो सोचा था तुम आओगे, हम लोग मिलकर काम करेंगे, थोड़ी हेल्प करोगे तुम मेरी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, बॉस की सेवा करो या बीवी की सेवा करो? तो एक काम करते हैं, क्यों ना हम बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। तो क्यों ना हम बाहर ही डिनर करने चले? नहीं बेबी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत दर्द हो रहा है, एक काम करो ना बाहर से ही ऑर्डर कर लो, मेरे लिए कुछ मंगा लेना। अच्छा ठीक है, तुम रेस्ट करो, दवाई ले लेना, मैं देखता हूँ। बेबी मून बन रहा है। अभिषेक सर का दर्द अभी ठीक नहीं हुआ, मैं दबा दूँ? नहीं, मैंने मेडिसिन ले ली है, ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में। कोई नहीं, मैं दबा देता हूँ। सो जाओ। सर में दर्द हो गया यार, I'm very confused, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, उससे मिलूं या नहीं मिलूं, क्या करूं? एक मन कर रहा है उससे मिलूं, और जो अपनी इच्छाओं को मैंने अभी तक दबा रखा था, मैं सारी इच्छाएं पूरी कर लूं, एक एक्सपीरियंस ले लूं, और एक तरफ ये डर लगता है यार कि मुझे एक को पता चल गया तो मेरी तो लाइफ स्पॉइल हो जाएगी, वैसे भी कौन सा लाइफ सही चल रही है और अगर मेरे को उससे अटैचमेंट हो गया तो, और फिर उसने मेरे से एक बार मिलने के बाद मिलना छोड़ दिया तो फिर क्या होगा? उफ, बहुत कंफ्यूज हूँ मैं, मेरा मन भी कर रहा है उससे मिलने का, मिलती हूँ यार, फाइनल करती हूँ, अगर अभिषेक को पता चलेगा तो मैं उसे सब समझा दूँगी।
संभाल लूंगी मैं, उसका भी तो नेहा के साथ है, देखी जाएगी जो होगा, मैं मिलूंगी। कितना स्लो है नेटवर्क यार, एक प्रोफाइल नहीं खुल रही। क्लिक हो जा, ये तो बहुत मोटी है। टुन टुन नेटवर्क इतना स्लो है। ये बहुत गर्लिश है, आई डोंट लाइक इट। लेट्स सी अनदर वन। इसके तो बहुत टेंट्रम होंगे, स्टैंडर्ड बहुत हाई लग रहा है इसका। लगता है अभिषेक आ गए। इतनी जल्दी कैसे आ गए अभिषेक? हाय बेबी, कैसे हो? तुम और तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत पहले से बेटर है। तुम आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? यार आज ऑफिस में काम बहुत कम था तो बॉस ने कहा चले जाओ छुट्टी ले लो। क्या कर रही हो तुम ये? कुछ नहीं, आज तो हमें टाइम ही टाइम मिला है यार। प्लीज मुझे काम करने दो अभिषेक, मुझे बहुत काम। यार कल भी ऐसे ही करा था तुमने, आज तो मूड बना दो। देख रहे हो मेरे को कितना वर्कलोड है यार, बताओ मैं कैसे अभी तुमको। यार तुम्हारा हमेशा का ये ड्रामा, कल भी यही था सर में दर्द। क्या ड्रामा अभिषेक, तुम देख रहे हो मैं काम में बिजी हूँ। या जब भी रोमांस करने की कोशिश करो यही, कभी ये कभी वो। अब क्या रोमांस करने में बाहर जाऊं? चले जाओ, नेहा है ना। कौन नेहा? क्यों, पांच पांच छह छह मिस कॉल देखी है मैंने उसकी, मुझे पागल मत समझो। वो मेरी ऑफिस की क्लीग है। अरे मुझे क्या पता क्या है, अगर ऑफिस की क्लीग है तो उसको इतने कॉल्स करने की जरूरत क्या है? काम पड़ता है इसलिए कॉल करती है, और कोई बात नहीं है। ओ, ऑफिस में सारे काम खत्म नहीं होते तो घर में भी काम? यार तुम्हारे है ना ये ड्रामे होते हैं। हाँ जाओ जाओ, मेरे यही ड्रामे हैं, मगर तुम ना पहले अपने आप को देखो अभिषेक। ठीक है रहने दो। उफ, सारा मूड खराब कर दिया यार। एक तो ये प्रोफाइल्स कहाँ चले गई, अभी तो खोली थी। तो नेटवर्क इतना स्लो है ना यहाँ का। वाओ, आई लव ग्रे आईज, ये है कोई अपने मतलब की। आई मस्ट मीट हर। इसका नंबर ईमेल आईडी कुछ दिया है, लेट्स सी। वाओ is the number and mail। अब तो बस इसी से मिलना है, ग्रे आईज वाली से। I love it। फोन क्यों नहीं उठा रही? हेलो, यस, हू इज दिस? एक्चुअली मुझे ना आपका नंबर
इंटरनेट साइट से मिला है एक्चुअली. मेरे को मैंने ऐड देखा वहाँ पे, वहाँ से मैंने आपका नंबर लिया. एक्चुअली मेरे को आपका नंबर एक ऐड से मिला. एंड कौन सा ऐड? आपने एक ऐड डाला हुआ था इंटरनेट पे. ओके ओके ओके, हाँ वो मैंने ही डाला था. कहिए. हाँ तो एक्चुअली मुझे आपसे मिलना था. आपको मुझसे मिलना था मतलब आप कोई थ्रीसम प्लान कर रहे क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. थ्रीसम वाली कोई बात नहीं है एक्चुअली. मुझे पर्सनली आपसे मिलना था अकेले में. पर्सनली? आप LGBT से हैं? आप कुछ ऐसे ही समझ लीजिए. आई एम सो सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड. सुनिए, लिसन. सॉरी मैम, आई कांट डू दिस. लिसन, आई कैन पे यू गुड अमाउंट, प्लीज. आई एम सो सॉरी मैम. नो मैम, नो मैम, प्लीज. एक बार, इट्स नॉट पॉसिबल. It's only for men. अगर आपको लगे तो प्लीज मेरे को इस नंबर पे कॉल कर लेना. थैंक यू मैम. बाय. पता नहीं कौन था यार. ऐसा तो नहीं कि मेरे किसी क्लाइंट की वाइफ हो, या फिर समझ में नहीं आ रहा. और डिटेक्टिव बन करके मेरी जासूसी कर रही हो, या अपने हस्बैंड की कर रही हो और मुझे बुला के मुझे ही फंसा दे. मैं क्यों सोच रही हूँ इतना, मैंने तो मना कर दिया ना. वैसे भी मैं इन सब चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहती. छोड़ो, फालतू की चीज़ें सोच के अपना दिमाग ख़राब नहीं करना. हेलो. हाँ जी अंकल. हाँ हाँ, मुझे याद है आपका रेंट देना है, मुझे याद है. अंकल अभी आपको पता ही है, पिछले महीने ही लॉकडाउन खुला है. इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी तो अभी इतनी जल्दी पैसे कहाँ से लाऊँ मैं. थोड़ा टाइम तो आप मुझे दीजिए, अभी तो काम भी नहीं चल रहा अंकल. अरे अंकल बात तो सुनिए, एक हफ्ते में पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी अंकल, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं. अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं करके देती हूँ आपको. अच्छा, अरे मेरी बात तो सुनिए अंकल. शिट, इन्होंने भी फ़ोन काट दिया यार, मैं क्या करूँ, सारी मुसीबतें मेरे ऊपर. मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैं रेंट कहाँ से दूंगी, और घर के खर्चे सब कुछ देखना है, काम भी एक हफ्ते से नहीं चल रहा है. क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, कुछ सोच. टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, सोचना पड़ेगा कुछ ना कुछ. यार उस लड़की को कॉल करके देखती हूँ जिसका कल मुझे कॉल आया था. नंबर नंबर नंबर, हाँ यही होगा शायद. हेलो. हेलो. हाँ कल वो आपने मुझे कॉल किया था. हाँ 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 हाँ, मैंने किया था आपको कॉल. तो आप अभी इंटरेस्टेड हैं मिलने के लिए? ठीक है, आज ही मिल लीजिए. आज तो पॉसिबल नहीं है. कैन वी मीट टुमारो? ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं ना. हाँ हाँ, आप मुझे अपना एड्रेस और टाइमिंग मैसेज कर दीजिए. मैं आपको अभी अपना एड्रेस सेंड कर देती हूँ व्हाट्सएप पे. ठीक है, थैंक यू सो मच. थैंक यू, बाय बाय. चलो फाइनली. जल्दी से एड्रेस टाइप करके भेज देती हूँ.
आज इतने सालों बाद मेरी विश पूरी होने जा रही है। मैं बहुत खुश हूँ, एक नया एक्सपीरियंस जो मैं कितने सालों से अपनी इच्छा को दबा के रखा था मैंने, आज वो पूरी होने जा रही है। ओह आई एम सॉरी, इट्स ओके। एक्चुअली शाम को एक मीटिंग में जाना है तो उसी के लिए। इट्स ओके, सिट। श्योर। आप इतना लेट कैसे हो गए? अरे मैं तो टाइम से निकली थी, लेकिन आपको पता है ना दिल्ली का ट्रैफिक। या आई नो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। प्लीज सिट। सो यहाँ तक पहुँचने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सॉरी मैं आपका नाम ही पूछना भूल गई। प्रियंका। ओ तो मैं आज प्रियंका चोपड़ा को डेट कर रही हूँ। नहीं प्रियंका चोपड़ा नहीं, सिर्फ प्रियंका। एक्चुअली वो मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है इसलिए। ओके तो प्रियंका आप बेसिकली कहाँ की रहने वाली हैं? आई एम फ्रॉम बरेली। ओह अच्छा, तो यहाँ दिल्ली में कैसे? दिल्ली में स्टडीज। ओके फुल टाइम? नहीं फुल टाइम के लिए कहाँ टाइम है, कॉरेस्पॉन्डिंग से कर रही हूँ और फुल टाइम जॉब तो मेरी यही है। कितनी ज़्यादा गर्मी है। आपने फ्रेश होने? नहीं एक्चुअली मैं पहले भी एक रिलेशनशिप में रह चुकी हूँ। जी आप इन्हें पूछा ना फ्रेश। अरे नहीं पूछा आपको फ्रेश होने है, वॉशरूम जाने हैं। ओह नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली मैं आपके आने से पहले ही तैयार हो गई थी। ओके कोई नहीं, मुझे जाना है, आप बता देंगे कहाँ पर है? या व्हाई नॉट, प्लीज टेक राइट। ओके थैंक यू। फ्रेश होंगे? हाँ बैठो। क्या लोगे आप, चाय कॉफ़ी? एक्चुअली थोड़ी टायर्ड हो गई हूँ तो चाय चलेगी। तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए बढ़िया सी चाय बना के लाती हूँ और साथ में अंकल चिप्स लेकर आती हूँ। ओके थैंक यू। ये लीजिए चाय और अंकल चिप्स। थैंक यू सो मच। आपकी चाय? नहीं मैंने एक्चुअली आपके आने से पहले ही सुबह से 4 कप चाय पी चुकी हूँ मैं। ओके चाय कैसी बनी? थैंक यू। अंकल चिप्स ऑल टाइम फेवरेट।
चाय पी ली तुमने? हाँ चलो मैं इसको रख कर आ जाती हूँ। अरे यहाँ पे रख देते ना, टेबल तो है। एक्चुअली आई एम सॉरी, वो मेरे मुंह में अल्सर हुआ है तो डॉक्टर ने मना किया है, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, प्लीज़ डोंट माइंड। कोई बात नहीं, मगर तुम पहले बता देती तो हम फिर कभी मिल लेते। नहीं लेकिन आपको मुझसे मिलना था और मुझे भी आपसे, तो एक्चुअली ना मुझे किस करने से ही फील आता है। नेक्स्ट टाइम thank you.